ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सही और मुतवातिर हदीसें हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो नाजिल होंगे, यानी क़यामत से पहले उन्होंने आना है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी एक शख्स गुजरा है पंजाब में, जिसने ये दावा किया था कि मैं मसीह मऊद हूँ, मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूँ, और फिर वो हदीसों को तावील करता था कि इससे मुराद ईसा अलैहिस्सलाम का नाजिल होना नहीं है बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम का पैदा होना है। इसने एक किताब लिखी है हमामतुल बुशरा, उस किताब में मिर्ज़ा कादियानी ने एक उसूल बयान किया है। उसूल यह है कि जिस पेशनगोई में, पेशनगोई कहते हैं गैब की खबर को, नबी अगर कोई पेशनगोई बयान करता था तो उस पेशनगोई में अगर कसम खाई जाए कि अल्लाह की कसम यह होगा, तो मिर्ज़ा कादियानी कहता है वो फिर ज़ाहिरी माना मुराद होता है, तावील नहीं की जाती, मजाज नहीं होगा, हकीकत होगी। समझ आई बात? अब हदीस में आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की कसम है ईसा बिन मरियम नाजल होंगे तुम्हारे दरमियान, तो फिर वो नाजल ही होंगे, पैदा होने वाली बात नहीं है, किसी हदीस में पैदा होने वाली बात। ये लंबा मसला है, इस बारे में मेरा एक मजमून छपा हुआ है मेरी किताब मकालात जो उसकी पहली जिल्द में, वो देख लें।